सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्कि गुरुकुल के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे आंखें खोलिए। कई सालों से श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिया है वो धर्मा वीडियोस के नाम पर YouTube में आप सभी के लिए उपलब्ध किया गया है। उसी में से आज हम धर्मा 31 वीडियो में जो भी टीचिंग्स है उसे आज हम देखेंगे। पूरे विश्व में श्री कल्कि कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य हैं हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ पर आप श्रीमूर्ति के चमत्कार देख सकते हैं, कैसे इटली में श्री भगवान के दिव्य उपस्थिति, भगवान के श्रीमूर्ति में उनके आँख हरा होते हुए इस चमत्कार के जरिए हम अनुभव कर सकते हैं। श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को सुनेंगे। Obstacles for enlightenment. See what the mental blocks are. Most often it is fear of enlightenment itself which becomes a block, or lack of confidence. Otherwise people make it quite easily. But yes, normally after the Diksha is taken, its lifetime is about 6 months. So in the following weeks, in the following months, it could happen. But the only drawback here is if you're subjected to too much of stress, then it dies down. But let us say if you have to lead a very tranquil, calm life, especially near water bodies like lakes and rivers, the process will restart and complete itself. But then if you are going to live in a city like New York with its pollution and stress levels, it could become very difficult. Even there it is possible if somehow you could change your mental perception and you were to enjoy the crowds of New York and enjoy New York life, still the process would continue. But if you become judgmental and if you start condemning aspects of that life, then the process stops. श्री भगवान जी ने मुक्ति के पथ में क्या बाधाएं हो सकते हैं इसके बारे में इस तरह बताए हैं। आप सभी को आपके मानसिक अवरोध के बारे में जानना होगा। कई बार आपके भीतर मुक्ति के लिए जो डर है वही एक अवरोध बन सकता है, या आत्मविश्वास के अभाव हो सकता है। अन्यथा लोग सहजता के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साधारण रूप से जब दीक्षा कोई प्राप्त करेंगे 6 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले दिनों में कभी भी मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। बस इसमें एक खोट हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव को अनुभव कर रहे हैं इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किंतु मान लीजिए आप बहुत आरामदायक, स्पष्ट और शांति पूर्ण जीवन जी रहे हैं, जहाँ आप नदियों के पास, झील के पास, प्रकृति के नज़दीक है, प्रक्रिया पुनः शुरू होकर संपूर्ण हो जाएगा। अगर आप बड़े शहर न्यूयॉर्क के जैसे शहर में हैं जहाँ पर प्रदूषण, तनाव अधिक होता है, तो वहाँ पर ये मुश्किल हो सकता है। वहाँ पर भी संभव होगा अगर आपके मानसिक धारणा, शहर में रहकर भी आप हर चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, वहाँ के भीड़, वहाँ के हर चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो भी मुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगा। किंतु अगर आप मूल्यांकन करते जा रहे हैं, हर चीज़ को आप कुछ ना कुछ त्रुटि निकालेंगे, दोष देंगे, तो प्रक्रिया बंद हो जाएगा।
एक जीवन मुक्ता अपने जीवन को कैसे जीते हैं, श्री भगवान जी के वाणी में सुनेंगे। द अवेकेंड वन अराइजेस फ्रॉम द हार्ट, द अनअवेकेंड वन अराइजेस फ्रॉम द हेड। जीवन मुक्ता हृदय से प्रतिक्रिया देते हैं, मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति मन से प्रतिक्रिया देते हैं। मान लीजिए एक जीवन मुक्ता एक बस चढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक भिखारी खड़े हैं जो उनको पैसे मांग रहे हैं, तो वो वहाँ पर 100 रुपये दे सकते हैं या कुछ न देकर ऐसे ही चले जा सकते हैं। 2 दिन बिना कुछ दिए चले गए और 1 दिन अचानक से 50 रुपये दे गए। मुक्ता के लिए कोई भी निर्दिष्ट योजना काम करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो शून्य है। उनको जब जो आता है उस समय पर स्वाभाविक रूप से वो करेंगे। कार्य के पहले, कार्य करते हुए, कार्य के बाद कोई भी दुविधा नहीं होता है। उनके भीतर मन नहीं है, केवल हृदय है। मुक्ति ना पाने के अवस्था में हृदय मर चुका है, केवल मन ही सक्रिय है। उनके हर कार्य माप करके, कैलकुलेट करके अपने फायदे के लिए होता है। वो भिखारी को मदद कर सकते हैं, किंतु इसी सोच के साथ, करेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा, या नहीं तो अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए मदद करना ही बेहतर है। या नहीं तो वो सोचेंगे इनको अगर मदद करें ना, वो और भी आलसी हो जाते हैं। कार्य को करने के पहले, करते हुए, कार्य के बाद भी वो दुविधा को अनुभव करते हैं। टाइमलेस इंसाइट्स को देखते हैं। जब मैं की भाव सब कुछ मैं कर रहा हूँ ऐसा मिथ्या कल्पना करता है तो खुशी आनंद नाश होता है। आत्मज्ञान बुद्धिमत्ता के शुरुआत है। मैं की भाव शांत होने से स्वाधीनता, प्रेम और आनंद रहता है। हमारे सभी समस्याएं और दुख का मूल कारण पृथक अस्तित्व की भाव, अलगाव की भाव है। जब हमारे भीतर मैं की भाव को हम महसूस करते हैं, हम हर प्रकार के विभाजन को अनुभव करते हैं, दुविधा को अनुभव करते हैं। इसी के वजह से आनंद पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जब हमारे भीतर की मैं की भाव से हम स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो हमारे भीतर किसी भी प्रकार के विभाजन, दुविधा नहीं होता है। वहाँ पर हम प्रेम को, आनंद को कारण रहित एवं असीम रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के विमोचन एक आशीर्वाद है जो केवल अलौकिक मस्तिष्क के एक सर्जरी जब श्री कल्कि हमें प्रदान करते हैं तभी संभव है। तब तक हमें हमारे परिस्थिति के बारे में सचेत होना है कि हम इस तरह अपने मैं की भाव के साथ बंधे हुए हैं। जैसे हम इस यात्रा को शुरू करेंगे, सचेत होंगे, हमारे हर कार्य में मैं की भाव को देखना शुरू करेंगे, इस मैं की भाव कैसे हमें ईर्ष्या, असुरक्षता की भाव, डर, तरह तरह के खेलों में हमें फंसा देता है। हमें मैं की भाव को रियलाइज करना है और ये भी जानना है कि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारे निस्सहायता और शरणागति के साथ प्रार्थना होगी। तभी श्री कल्कि आएंगे हमें मदद करने के लिए। इस प्रकार के आत्मज्ञान को जब हम अनुभव करेंगे तब हम बुद्धिमत्ता को अनुभव करेंगे। इस ज्ञान के मार्ग में जैसे ही अग्रसर होते रहेंगे, हमारे भीतर हम स्वाधीनता, जीवन, ईश्वर और इस जगत के उच्च ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। अभी आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सचेत होने की कोशिश कीजिए। शांति अगले टीचिंग को देखेंगे।
ईश्वर के साथ बंधन उनकी अनुकंपा पाने के लिए मूल रूप से आवश्यक है। 8 साल का एक बच्चा जब नेमम में उनके माँ के साथ आए हुए थे, माँ जब प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, बच्चा 3 दिन वहीं पर, उनका बेटा वहीं पर खेल रहा था। दूसरे दिन जब उसको स्नान करना था, पानी बहुत ठंड है और किसी भी तरह उनको गर्म पानी नहीं मिला, तो कल्कि को बुलाए कि कल्कि मुझे मदद कीजिए, पानी को गर्म कीजिए। तरह तरह के नाम से उन्होंने बुलाया किंतु कुछ भी नहीं हुआ। जब वो कल्कि आइए मुझे मदद कीजिए करके अपने पिता के एक रिश्ते के साथ, पिताजी अभी आइए मुझे मदद कीजिए, मुझे पानी गर्म चाहिए, तो उनके साथ चमत्कार हुआ। ठंडे पानी उनको जैसे गर्म चाहिए था, वैसे ही होकर वो चमत्कार को अनुभव किए। समस्या छोटा हो या बड़ा, अनुग्रह प्राप्ति के लिए हमें एक बंधन की आवश्यकता है। कल्कि, ईश्वर को आप कोई ना कोई बंधन से, माता पिता आप जैसे कंफर्टेबल हैं, या कोई भी रिश्ता जो आप अपने जीवन में मिस कर रहे हैं, भाई नाना जी दादा जी, किसी भी रिश्ते में आप बंधन रखते हुए बुलाइए। अगले टीचिंग देखेंगे। विभाजन रूपी दीवार एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि आप खाली हैं, शून्य हैं, आपके भीतर कोई व्यक्ति नहीं है, किंतु हमेशा हमें लगता है हम हैं, मैं करके एक भाव है। ये हमारा एक भ्रम है जो हमारे पंचेंद्रियों के समन्वय तेजी से होने के कारण सृष्टि हो रहा है। जब इसकी रफ्तार कम हो जाएगा, हमारे भीतर हम मैं करके भाव को नहीं महसूस करेंगे, तब क्या होगा? व्यक्ति के अंदर स्वाधीनता, प्रेम, आनंद, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जो असीम है, ऐसे एक आनंद को, प्रेम को अनुभव करेंगे। यह श्री कल्कि के दिव्य आशीर्वाद होगा। सफलता का रहस्य देखेंगे। आपके जीवन के अनुभवों के अनुसार आपके जीवन के संदर्भ उत्पन्न होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। 18 साल की उम्र में घर में जब बड़े संपत्ति के विभाजन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आप हर चीज में बात करना आपका आदत है, तो आपने भी अपना राय दे दिया, तो सभी वहां पर आपके इस प्रकार से बड़ों के बीच में टांग अड़ाना और ऐसे राय देना किसी को अच्छा नहीं लगा, आपको भला बुरा सुना दिया। तब से आपने निर्णय लिया कि कभी भी लोगों के सामने मुंह नहीं खोलूंगा, और यही निर्णय आज तक आपके जीवन को चला रहा है। ये आपके जीवन के एक लाइफ रेफरेंस बन गया है। अभी आपका उम्र 72 है, फिर भी आज तक आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाते हैं। 18 साल की उम्र में जो कुछ भी हुआ, वो आज तक आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके अचेत मन में इतना गहराई से चला गया, इतने सालों से वो आपको नियंत्रण कर रहा है। श्री परम ज्योति के चमत्कार सुनेंगे। आमी हिमाद्री शैलेंद्र सिन्हा गुजरातेर बड़ोदा थेके बोलछी। गत 2 सप्ताहे आम्रा अनेक चमत्कार अनुभव करेछी, तार मध्ये थेके एकटि चमत्कार एखन आमी बर्णना करछी। 17 জানুয়ারি বিকেল 5টায় আমার 19 বছরের ছেলের কোভিড-19 ধরা পড়ে এবং ভাইরাসের মাত্রাও প্রবল ছিল। আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধ নিতে ছুটে যাই। অবিলম্বে আমার ছেলেকে 2তলায় একলা একটি ঘরে আলাদা থাকতে বলি। আমার ছেলে তার পিঠে একটি অসহ্য যন্ত্রণার জন্য শারীরিক অস্বস্তি বোধ করছিল। একজন খেলোয়াড় এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী যুবককে এই ধরনের যন্ত্রণা পেতে দেখাটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। আমার স্ত্রীর তখন একটি প্রশিক্ষণের অধিবেশন চলছিল, তাই তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। ওনারও কোভিড টেস্ট করা হয়।
বাড়িতে আমার এবং আমার 81 বছরের বৃদ্ধা মায়ের মনে এক ভীষণ চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। আমার মায়ের প্রাথমিক উদ্বেগের কারণ ছিল আমার ছেলের দোতলায় একলা থাকা, যেখানে তাকে দেখাশোনা করার জন্য কারোর থাকা সম্ভব ছিল না। আমার মা চাইছিলেন যে ছেলে যেন একতলায় আমাদের সকলের সাথেই থাকে। স্বভাবতই আমি এটার জন্য অনুমতি দিতে পারছিলাম না, তাই তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমার স্ত্রীর রিপোর্ট জানার জন্য আমি ভীষণভাবে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু প্রায় 2 ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও কিছুই জানতে পারছিলাম না। স্বাভাবিকভাবে উদ্বেগ আরও বেড়েই চলেছিল। আমি অবশ্য এর মধ্যেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা শুরু করে দিই যে তিনি যেন আমার ছেলে এবং আমাদের সকলের দেখাশোনা করেন ও আমাদের সাহায্য করেন। একই সাথে আমি আমার 81 বছরের মায়ের জন্য চিন্তিত ছিলাম, কারণ উনি ডায়াবেটিসের রোগী এবং ওনাকে ইনসুলিন নিতে হয়। ল্যাব প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার সময় আমি সেখানে পৌঁছই এই আশা নিয়ে যে আমার স্ত্রীর আরটিপিসিআর এর রিপোর্ট নেগেটিভ আসবে, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার রিপোর্টও পজিটিভ আসে, তবে ভাইরাসের মাত্রা অতটা মারাত্মক ছিল না। যেহেতু আমিও আমার গলায় একটা কষ্ট অনুভব করি, সেহেতু আমারও টেস্টের জন্য নমুনা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। দুজনের দেখাশোনার চিন্তা যখন আমাদের পাহাড় সমান লাগছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎই আমাদের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল যে পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান আমার স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ এই উদ্দেশ্যে করিয়েছিলেন যাতে সে আমাদের ছেলেকে দেখাশোনা করতে পারে। এর দ্বারা উনি আমাদের নিশ্চিত করেন যে আমাদের ছেলে সব সময় সক্রিয় যত্নের এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকবে। এটা উপলব্ধি করতে পেরে আমরা একটু স্বস্তি বোধ করি। আমার স্ত্রীর রিপোর্টও পজিটিভ আসায় আমরা 2 ঘন্টা এই বিষয় নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু তারপর আমরা নিশ্চিত হই যে পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান চমৎকারিকভাবে আমার স্ত্রীর রিপোর্ট পজিটিভ করিয়েছিলেন শুধুমাত্র আমার ছেলের দেখাশোনা করার জন্য, এবং অদ্ভুতভাবে 72 ঘন্টার মধ্যে আমার স্ত্রীর রিপোর্ট নেগেটিভও চলে আসে। আমাদের পরম প্রিয় পরমজ্যোতির এই হল বিস্ময়কর পন্থা। এইভাবেই তিনি অগণিত চমৎকারের দ্বারা আমাদের আশীর্বাদ করে চলেছেন। যে ঘটনা একটি দুঃসংবাদ হতে পারত, তা আমাদের পরিবারের জন্য আশীর্বাদ রূপে বর্ষিত হয়েছিল। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের আশীর্বাদে আমরা সকলেই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ঘটনাক্রমে আমি এবং আমার মা দুজনে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু দৈব হস্তক্ষেপের ফলে আমরাও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাদের উপর সদা এই রূপ কৃপা বর্ষণ করুন এবং সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হতে আমাদের সাহায্য করুন শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান। অনুকম্পা কো প্রাপ্ত করকে উসে পহচাননা শুরু করতে হ্যাঁ तो हमारे जीवन में चमत्कार बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे सभी आंखें बंद रखते हुए। आज आपने जो कुछ भी सुना इसे मनन कीजिए।
अभी हम सभी प्रार्थना करेंगे, भजन संकीर्तन में भाग लेंगे। आज जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया, ये ज्ञान हमारे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होना है, हमारे लिए एक रियलाइजेशन बनना है। चलिए ऐसे श्री कल्कि से प्रार्थना करते हैं। பொன்னையனே பொன்னே பொன்னையனே பொன்னு தம்புரானே பகவான் பொன்னிறம் சூடி நிற்கும் ராஜாதிராஜனே பொன்னே பொன்னையனே பொன்னு தம்புரானே பகவான் பொன்னிறம் சூடி நிற்கும் ராஜாதிராஜனே என் இஷ்ட தெய்வமே என் இஷ்ட தெய்வமே பொன்னே பொன்னையனே பொன்னு தம்புரானே பகவான் பொன்னிறம் சூடி நிற்கும் ராஜாதிராஜனே சபிக்கு நமஸ்கார். அம்மா பகவான் சன்னம்.